नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किसमो यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है या फिर जो एसएसडीज है, ये खुद ब खुद अपने आप को मॉनिटर कर सकता है कि जो हार्ड ड्राइव है या फिर जो एसएसडी है वो खराब होने वाला है या फिर नहीं। आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो हार्ड ड्राइव है या फिर आपका जो एसएसडी है, अगर ये ख़राब होने वाला है तो ये ख़राब होने के कुछ दिन पहले ही आपको एरर मैसेजेस शो कर देता है कि ये एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव ख़राब होने वाला है। ये वैरायटीज टाइप का मैसेजेस हो सकता है। अगर आपने कोई यूटिलिटी टूल इंस्टॉल करके रखा है तो यूटिलिटी टूल के जरिए आपको मैसेज देगा कि एसएसडी या हार्ड ड्राइव का कंडीशन ख़राब है, या फिर आपने अगर कोई टूल इंस्टॉल करके नहीं रखा है तो इस कंडीशन में आपका हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडीज में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास यूटिलिटी टूल नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको कुछ दिनों के बाद आएगा, मतलब ख़राब होने के कुछ समय पहले पहले ही। अगर आपके पास एक यूटिलिटी टूल है तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा। तो मैंने इस यूटिलिटी टूल के बारे में एक रिव्यू किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है और आई बटन पर भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास यूटिलिटी टूल नहीं है, अगर ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम्स आएगा ख़राब होने के कुछ दिन पहले, करीब एक हफ्ता पहले या फिर दो हफ्ता पहले? इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे कॉपी ठीक से नहीं होगा, कॉपी करने के दौरान ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा, या फिर फाइल आप डिलीट नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ फाइलें कोरप्ट कर गया होगा, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इश्यूज आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ड ड्राइव खराब होने वाला है। अगर आपके पास यूटिलिटी टूल है तो आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि हार्ड ड्राइव या एसएसडी खराब होने वाला है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ये आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये खराब होने वाला है या फिर नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोला जाता है स्मार्ट, SMART। यहाँ पे स्मार्ट मतलब इंसानों का स्मार्ट नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ SMART, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसकी बात हो रही है। इसका शॉर्ट फॉर्म है SMART, मतलब स्मार्ट आप कह सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपका हार्ड ड्राइव या फिर आपका एसएसडी आपको खराब होने से पहले ही आपको एक एरर मैसेज शो कर देता है। तो ये SMART, ये जो टेक्नोलॉजी, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। हर एक पर्सन के हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस बदलता है, पर स्टोर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पे डेटा स्टोरिंग का मामला है, तो इसीलिए SMART टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेरा GPU के साथ ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, CPU के साथ क्यों नहीं है? इसीलिए उसमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर CPU खराब हो जाएगा या फिर GPU खराब हो जाएगा तो इसमें तो कोई इशू आपको नहीं है, कोई डेटा लॉस तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, ऑब्वियसली ये चीज़ होगा, पर यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आएगा, मतलब आपका इंपॉर्टेंट डेटा तो चला नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पे CPU या फिर GPU के साथ ये टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनके साथ ये टेक्नोलॉजी दिया जाता है, ताकि एक यूज़र को बहुत पहले ही पता चल जाए कि उसका हार्ड ड्राइव या फिर SSDs खराब होने वाला है। तो बेसिकली SMART, ये जो टेक्नोलॉजी, इसको इसीलिए लाया गया है, इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, आप सेफ रहे, आपका सारा डेटा भी बचा रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको SMART टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा कि बेसिकली ये क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पे होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर देना, और सारे सोशल मीडियाज का इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे सवाल भी कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।